हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पीएम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में मल्टी जीएसटी टैक्स रेट का परचेज वाउचर की एंट्री किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास परचेज इनवॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रास्टेट परचेज इनवॉइस और एक इंटरस्टेट परचेज इनवॉइस, यानी कि एक हमारे खुद के स्टेट का इनवॉइस और एक किसी दूसरे स्टेट का मिला हुआ में परचेज इनवॉइस। तो दोनों प्रकार की परचेज वाउचर की एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं, और वाउचर की एंट्री करने से पहले हमें ये पता भी होना चाहिए कि हम जीएसटी को किस प्रकार से इनेबल करते हैं और हम वाउचर के आधार पे कौन कौन से हमें लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, परचेज का लेजर किस प्रकार से बनेगा, पार्टी का लेजर किस प्रकार से बनेगा और प्रॉपर वाउचर की एंट्री किस प्रकार से करी जाती है। तो ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद हमारी जीएसटी की जो टैक्स कैलकुलेशन है वो प्रॉपर ऑटोमेटिक आने चाहिए। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे और वो सारे स्टेप भी आपको हम बताएंगे भी हमें टैक्स इनवॉइस की एंट्री करने से पहले किन किन बातों का ध्यान में होना जरूरी है। तो अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को पहली बार यूज कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल तरीके से सीखने को मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, वीडियो को प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हमारे पास दोनों टाइप के परचेज इनवॉइस है। एक पहला परचेज इनवॉइस जिसके अंदर हमारे को सीजीएसटी टैक्स और एक एसजीएसटी टैक्स लग के आया हुआ है, और एक हमारे पास टैक्स इनवॉइस क्या है जिसके ऊपर हमें आईजीएसटी लगकर आया हुआ है, यानी कि ये हमें किसी दूसरे स्टेट से मिला हुआ इनवॉइस है। तो सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर में मैंने केवल कंपनी ही क्रिएट करी है, अभी तक मैंने न तो कोई लेजर क्रिएट किया न ही कोई मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट करी। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, अल्टर पे हम चलते हैं, लेजर पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो लेजर की लिस्ट में केवल दो लेजर आपको दिख रहे हैं जो टैली के साथ बाय डिफॉल्ट है जो क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम बात करें स्टॉक आइटम की तो स्टॉक आइटम भी बिल्कुल ब्लैंक है, कोई भी स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट नहीं करी। इसलिए नहीं करी क्योंकि ये सारी बातें आपको मैं वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। और वाउचर की एंट्री तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, नो वाउचर एंट्री, यानी कि कोई भी वाउचर की एंट्री पास नहीं करी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ ऐसे स्टेप है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं इनवॉइस की एंट्री करने से पहले। तो हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो सबसे पहला आपका टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो जीएसटी है वो एक्टिवेट होना चाहिए, यानी कि इनेबल होना चाहिए। अब जीएसटी को हम इनेबल करते कैसे हैं टैली सॉफ्टवेयर में, आप कंपनी क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम शॉर्टकट की यूज करेंगे F11। तो जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये टैक्सेशन के हेड के अंदर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जीएसटी का। तो इस जीएसटी के ऑप्शन को आपको यस करना है, अगर आपका ये ऑप्शन यस नहीं है तो आप जीएसटी के लेजर है जो क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसको हम यस करेंगे और यस करने के बाद ये जीएसटी की डिटेल से संबंधित हमारे से कुछ डिटेल पूछेगा, जिसके अंदर आपका स्टेट रहेगा, आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो पूछेगा, रेगुलर है या कंपोजिशन है। तो फिलहाल हम रेगुलर की स्कीम के अंदर है जो एंट्री कर रहे हैं, और उसके बाद में जो आपकी खुद की कंपनी है उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। और इसके लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो आप क्रिएट कर चुका हूँ जीएसटी के बारे में, तो इसके ऊपर हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो ये हमने जीएसटी का ऑप्शन है जो इनेबल कर दिया, तो हमारा फर्स्ट काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो सबसे पहले हमें पार्टी के लेजर, यानी कि जो हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हमें प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं, उनके लेजर हमने क्रिएट करने हैं सॉफ्टवेयर में। तो उनके लेजर हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास दो इनवॉइस हैं, एक इनवॉइस है जो हमें मिला हुआ है आरवी एंड कंपनी से और दूसरा हमें मिला हुआ है श्री गणेश एंटरप्राइजेस से। तो यानी कि सबसे पहले हमें इन दोनों का लेजर है जो क्रिएट करना पड़ेगा टेली सॉफ्टवेयर में। तो टेली सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे टेली पर रहते हुए हम क्रिएट पर जाएंगे और उसके बाद हम लेजर पर जाएंगे, और लेजर पे जाने के बाद हम इनवॉइस को देख के वो लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर ये सारी श्री गणेश एंटरप्राइजेज जो टाइप करना पड़ेगा,
और उसके बाद में अब ये श्री गणेश इंटरप्राइजेस हमारी कंपनी के लिए सप्लायर्स है, और सप्लायर का हेड हम रखते हैं हमेशा सैलरी क्रेडिटर में, तो आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में मेंटेनेंस बैलेंस पे बिल आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद के अंदर आपको एक विशेष ध्यान में रखना है, पार्टी का जो स्टेट है वो आपको कंपलसरी देना है, और उसके साथ साथ आपका जो कंट्री है वो भी देना है। पिन कोड आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज ना भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप हम इसका प्रॉपर जो एड्रेस है वो इसका इनवॉइस के आधार पे हम यहाँ से इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। आपको यहाँ से मैनुअल टाइप करना पड़ेगा, तो ये मैंने ले दिया। उसके बाद के अंदर रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर ये रेगुलर रहेगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस हमारे पास आया है, टैक्स इनवॉइस इसके ऊपर लिखा हुआ है और जीएसटी भी इसके अंदर लग के आई हुई है, तो जाहिर सी बात है ये पार्टी ऑलरेडी रेगुलर के अंदर ही है। और उसके बाद में आपको इसका जो पार्टी का जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हो, और एंटर प्रेस करते हुए हम इस लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक लेजर हमने क्रिएट कर लिया, और इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा सप्लायर है आरवीएन कंपनी, इसका लेजर भी हम क्रिएट करेंगे। तो अब ये भी हमारी कंपनी के लिए सैलरी क्रेडिट रहेगा, और यहां पर हम एड्रेस टैक्स इनवॉइस के आधार पे जो इनवॉइस हमारे पास आया है उसको हम यहां से कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद में स्टेट, अब विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है स्टेट आपको सेलेक्ट करना, स्टेट कौन सा रखोगे जो इनवॉइस है। अब इनवॉइस देखो, ये पार्टी हमारे पास है अबोरियन की, पंजाब की है, तो हमें स्टेट वहां पर पंजाब देना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके टैक्स की कैलकुलेशन है जो मिस हो जाएगी। तो ये रेगुलर पार्टी है, तो रेगुलर के लिए हम क्या करेंगे, पार्टी का जो जीएसटी नंबर है उसको हम कॉपी कर लेंगे, और एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सेकंड काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा काम था हमारा परचेज लेजर टैक्स वाइज क्रिएट करने हैं। टैक्स वाइज का मतलब क्या हो गया, भी अगर हम इनवॉइस को देखें तो इस इनवॉइस के अंदर हमारे पास एक तो 12% का भी प्रोडक्ट है, और एक हमारे पास में 18% का प्रोडक्ट है। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रोडक्ट हमारे पास 12% के हैं, तो यानी कि अब हमें एक लेजर 12% का और एक लेजर 18% का क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चलेंगे टेली सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर हम हेडिंग करेंगे जीएसटी 12% गुड्स परचेज। आप कॉमोडिटी वाइज भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का, या फिर किसी गुड्स का अलग अलग टाइप का। तो मैं एक कॉमन लेजर यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ जीएसटी 12% गुड्स परचेज का। तो अब ये हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, तो अब हमें यहाँ पर कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट्स का, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में टाइप ऑफ लेजर आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी क्या, बिल्कुल होगी। और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पूछेगा, यहाँ पर आपको नो रखना है। और टाइप ऑफ सप्लाई पूछेगा, यहाँ पर सर्विस की बजाय आपको सिलेक्ट करना होगा गुड्स को। इंटरप्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास एक 18% का भी लेजर हमारे पास बनेगा, तो हम जीएसटी 18% गुड्स परचेज का भी एक लेजर है जो क्रिएट करेंगे, और ये भी परचेज अकाउंट में रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई आपका गुड्स रहेगा। एंटरप्राइज करते हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो परचेज के लेजर है वो भी हमने क्रिएट कर दिए। उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स और आईजीएसटी का टैक्स भी लेजर हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम सीजीएसटी टैक्स, ये टैक्स का जो हमारा ग्रुप रहता है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी को। और सीजीएसटी का टैक्स का लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सेंटर का टैक्स रहेगा। और इसी तरीके से एसजीएसटी टैक्स, ये एसजीएसटी टैक्स भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, और स्टेट को टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से आईजीएसटी टैक्स का लेजर हम क्रिएट करेंगे, जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये तीनों जो हमारे टैक्स के लेजर हैं वो हमने क्रिएट कर दिए। अब उसके बाद पांचवा काम हमारा बचता है, स्टॉक आइटम को हमें क्रिएट करना है जीएसटी की डिटेल के साथ। तो हम सॉफ्टवेयर में वापस बैक चलते हैं, और यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे, और स्टॉक आइटम पर हम चलते हैं। अब हमें वो स्टॉक आइटम है जो क्रिएट करनी है, जो हमें स्टॉक इनवॉइस के अंदर, परचेज इनवॉइस के अंदर हमें मिला हुआ है। तो ये आइटम आपको इनवॉइस को देख के लिखनी है, लेकिन मैं यहाँ से एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा टाइम कम से कम लगे। और अब यहाँ पर ये अंडर में पूछेगा भी इस प्रोडक्ट की कैटेगरी। तो जैसा कि यहाँ पर अमूल बटर्स है, तो ये एक तरीके की ये बटर की कैटेगरी का है, तो मैं यहाँ से एक
नया जो इसका ग्रुप है वो क्रिएट कर दूंगा। आप एल्ट सी भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहां से क्रिएट पर भी क्लिक कर सेलेक्ट कर सकते हो और एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करूंगा। और उसके बाद में यूनिट सोचेगा भी इस यूनिट को हमें किस यूनिट के अंदर सेल आउट करना है। अब यूनिट का अब आपके पास परचेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहां से इसको पीसीस में कर सकता हूं, आप इसको बॉक्स में भी ले सकते हो, जो यूनिट आपने सेल करनी है। तो मैं फिलहाल इसको पीसीस के अंदर ही रखूंगा, क्योंकि इसकी सेल आउट मेरी कंपनी की तरफ से पीसीस में रहने वाली है। तो अगर आप बॉक्स में परचेज करके बॉक्स में सेल करोगे तो आप बॉक्स का यूनिट है जो क्रिएट करोगे, एक्सेप्ट करूंगा। और उसके बाद में जीएसटी डिटेल जो यानी कि जो जीएसटी की डिटेल है उसको हमें प्रॉपर सेट करना है, यस करेंगे। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहां पर लिख देंगे बटर, और उसके बाद में एचएसएन कोड, जो एचएसएन कोड हमारे पास यहां पर आया लग के उसको हम यहां से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में यहां लिखेंगे। और उसके बाद में ये नॉन जीएसटी गुड पूछेगा, नॉन जीएसटी नहीं है ये, बिल्कुल जीएसटी वाला प्रोडक्ट है। कैलकुलेशन टाइप के अंदर हम ऑन वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद के अंदर आपसे ये पूछेगा भी टैक्स एबिलिटी के अंदर आपको क्या रखना है, टैक्सेबल, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी लगी हुई है। वो तो जीएसटी कितने परसेंट की है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहां से आपको पता चल जाएगा सी जीएसटी 6 और एस जीएसटी 6, तो यानी कि जीएसटी 12% का ये प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पर जीएसटी 12% को लिखेंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर इसको गुड्स रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं, जो सेकंड स्टॉक आइटम हमारे पास में है इसको मैं यहाँ से सीधा कॉपी कर लेता हूँ। और इसी के बाद ये भी बटर की कैटेगरी के अंदर है, ये भी पीसीस में रहने वाला है, जीएसटी को एप्लीकेबल। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसका बटर रख सकते हो या आप कुछ भी लिख सकते हो जो इसकी कैटेगरी है। तो एचएसएन कोड में इनवॉइस को देख के लिख दूंगा, टैक्सेबल प्रोडक्ट है और ये भी जीएसटी 12% वाला प्रोडक्ट है, एक्सेप्ट करूंगा। तो इस तरीके से एक इनवॉइस मेरे पास और था, उसके अंदर भी कुछ स्टॉक आइटम मेरे पास हैं। तो जैसा कि ये मेरे पास वॉल फैन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसी प्रोडक्ट को, कॉपी करने के बाद पेस्ट। अब ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, तो मैं इसको फैन की कैटेगरी यहाँ पर दे देता हूँ, इसका ग्रुप है जो। और उसके बाद इस प्रोडक्ट को भी मैं पीसीस के अंदर सेल करूंगा, यस जीएसटी डिटेल, यहाँ पे फैन, और इसका जो एचएसएन कोड है 8414, टैक्सेबल सेलेक्ट करूंगा इसकी कैटेगरी को। और इसके बाद जीएसटी रेट इसके ऊपर 8414 का जो टैक्स रेट है वो है 27810 वाले का 18% का, तो टैक्स रेट 18% का, सी जीएसटी और एचजीएसटी नो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसी तरीके से एक्सेप्ट, और ये हमारे पास लास्ट स्टॉक आइटम बच गई है, इसको हम भी हम यहां से कर लेते हैं कॉपी। हमने कॉपी किया और इसके बाद में पेस्ट हमने कर दिया। और ये भी एक तरीके का एलईडी का प्रोडक्ट है, तो यहां पर मैं एक और ग्रुप क्रिएट कर दूंगा एलईडी के नाम से, जो एलईडी की जो भी कैटेगरीज रहेगी अलग अलग वॉट वाइज, तो सभी को उसी के अंदर हम रख देंगे। और इसका जो एचएसएन कोड 9405 का, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है हमारा 12% का प्रोडक्ट है, एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर ली। अब लास्ट में आपकी बात आएगी परचेज वाउचर की, अब एंट्री आपको करनी है। तो सारे लेजर आपके ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, तो हम वाउचर की एंट्री करने पर चलते हैं। तो इसके लिए आपको वाउचर पे जाना है, और परचेज के लिए हम यूज़ करेंगे F9 का। और F9 का यूज़ करने के बाद आपको सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पर देना है। तो जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर, हम सबसे पहले जो हमारी लोकल की जो परचेज है यानी कि इंट्रा स्टेट जो ट्रांजेक्शन है उसको करेंगे। तो इनवॉइस नंबर 3719, और डेट की अगर हम बात करें तो तारीख है 23/1/2023। तो F2 23/1/23 को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी 23/1/23। उसके बाद पार्टी का अकाउंट नेम आपसे पूछेगा कि कौन से पार्टी से आपने गुड्स को परचेज किया है। तो श्री गणेश वाले की एंट्री हम कर रहे हैं, तो श्री गणेश एंटरप्राइजेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम की डिटेल हमारे से पूछ लेगा,
अब आपके पास हो सकता है, एक आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको यस करता हूँ आपको, तो अगर आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर एक परचेज लेजर पूछ लेगा आपसे कि ये परचेज का लेजर कौन सी कैटेगरी का है, 12% का है या 18% का है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी टैक्स इनवॉइस हो जिसके अंदर मल्टी टैक्स रेट लग के आया हो, यानी कि एक इनवॉइस के अंदर 5%, 12%, 18% या 28% के प्रोडक्ट हैं, तो आपको इस ऑप्शन को डिसेबल करना है, यानी कि इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस F12 प्रेस करेंगे कॉन्फिगर के लिए, और उसके बाद में सिलेक्ट कॉमन लेजर का जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम नो कर देंगे यहाँ से। तो जैसे हम इसको नो करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हम वापस इसकी स्टॉक आइटम को चेक कर लेते हैं। स्टॉक आइटम हम अमूल बटर 500 ग्राम का, तो हम यहाँ पर अमूल बटर 500 ग्राम को सिलेक्ट करेंगे। इसकी क्वांटिटी अगर हम सिलेक्ट करें तो 5 पीसीस है। और अब हम बात करते हैं इसकी टैक्सेबल वैल्यू की। तो अब टैक्सेबल वैल्यू हमें यहाँ पर लगानी है, क्योंकि ये जो हमारा टैक्स हम बाद में कैलकुलेट करवाएंगे, तो अब टैक्सेबल वैल्यू हम किस प्रकार से करनी है। तो अब 1,050 रुपये की ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमारी नेट अमाउंट है, क्योंकि इसके बाद में कहीं भी GST एड नहीं हुआ है। तो ये इसका मतलब इस अमाउंट के अंदर ऑलरेडी GST की अमाउंट लगी हुई है। तो इसके अंदर हमें 12% का टैक्स अलग से करना है। तो इसके लिए हम LC यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब इसकी जो बेसिक वैल्यू 1,050 की इंटू 100/112, तो यानी कि अब ये GST कितने परसेंट का प्रोडक्ट है, अब हमें यहाँ से देखना है 12% का। तो अब यहाँ से हम GST 12% के लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से अब आपको सेलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल, क्योंकि ये अगर आपके ने लोकल में परचेज कर रहे हो तो परचेज टैक्सेबल आप सेलेक्ट करोगे। इसी तरीके से जो सेकेंड आइटम है हमारे पास अमूल 250 ग्राम, क्वांटिटी इसकी 3 पीस, इसी तरीके से इसकी भी हम टैक्सेबल वैल्यू को निकाल लेंगे। 309 रुपये नेट अमाउंट है, तो 309 × 100/112, और ये हमारा 12% का प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ से भी इसको 12% परचेज और परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। और अब उसके बाद में जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो 1,213 रुपये 40 पैसे है, और यहाँ पर भी 1,213 रुपये 39 की 1 पैसे का डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है। चलो उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तो अब हम आ जाएंगे लेजर की कैटेगरी के अंदर। अभी तक तो थे इस लाइन के ऊपर, जब हमारा कर्सर था तो यहाँ तक तो हम स्टॉक आइटम को यूज करते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारी जो पट्टी है इस टोटल के बाद में आ जाती है। तो इसका मतलब अब ये स्टॉक आइटम का खेल है जो खत्म हो चुका है। अब आपको लेजर सेलेक्ट करने हैं, कौन सा, CGST का। तो जैसे हम CGST को और SGST को करेंगे, तो ये जो टैक्स की कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ऑटोमेटिक होनी चाहिए। यहाँ पर आप मैनुअल हाथ से नहीं लिखोगे, अगर मैनुअली हाथ से लिख रहे हो तो इसका मतलब आपने लेजर है जो सही तरीके से क्रिएट नहीं किए। तो अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स यहाँ पर देख सकते हो 72 रुपये 80 पैसे और 72 रुपये 80 पैसे की टैक्स की अमाउंट आ रही है। तो अब यहाँ पर भी 72 रुपये 80 पैसे और 72 रुपये 80 पैसे। तो अब आपका राउंड ऑफ की वजह से 1 पैसे का इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो 1,359 रुपये का आपका बिल है जो कंप्लीट हो जाएगा। और इस इनवॉइस को देखें तो आप देख सकते हो ये भी 1,359 रुपये का बिल है आपका। तो इस तरीके से ये तो थी हमारी अगर लोकल की परचेज हमने करी है तो। हम इस वाउचर को एक्सेप्ट करते हुए सेव करेंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं, अगर हमने आउट ऑफ स्टेट से जो हमने परचेज किया, जैसे ये हमारी आउट ऑफ स्टेट की परचेज है, तो इसको हम किस प्रकार से पास करेंगे। वापस लेजर पर चलते हैं, तो सबसे पहले हम इसका इनवॉइस नंबर 15,811 का, और तारीख हम बात करें तो 25/1, और उसके बाद में आरवी एंड कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, और स्टॉक आइटम को हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं वॉल फैन। एंटर प्रेस करेंगे, क्वांटिटी हम देखेंगे 15 पीस की है। अब ये जो टैक्स रेट अब अमाउंट है, ये हमारे पास ऑलरेडी टैक्सेबल अमाउंट है, क्योंकि आप देख सकते हो इस अमाउंट के बाद में यहाँ पे GST बाद में अलग से ऐड हुआ है, तो यानी कि इस अमाउंट के अंदर ये GST ऐड नहीं है। तो 27,810 रुपये एंटर प्रेस करेंगे, तो अभी आपसे पूछेगा ये कितने परसेंट वाला प्रोडक्ट है, तो ये कोड के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, या आप वैल्यू यहाँ से देख सकते हो 27,810 रुपये। तो ये 27,810 रुपये टैक्स रेट है 18% का है। तो अब यहाँ से हम GST 18% गुड्स को सेलेक्ट करेंगे। तो आपने देखा जैसे हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल इसने ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने जब इसका लेजर क्रिएट किया था तो अब हमने इसका स्टेट चेंज किया था, राजस्थान नहीं रखा था। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। अगर आपकी लोकल की परचेज है तो परचेज टैक्सेबल,
आउट ऑफ स्टेट की परचेज है तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आपको सेलेक्ट करना है। तो इसी तरीके से सेकंड आइटम है हमारे पास में, इसका एलईडी बल्ब क्वांटिटी इसकी है 25 पीस और रेट 2115 का, सॉरी 2125 का। और ये है हमारे पास 12% का जीएसटी, 12% का गुड्स परचेज, और यहाँ पर हमने इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट कर दिया। तो अब जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे सेकंड लेजर की कैटेगरी में आ गई। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आईजीएसटी टैक्स को। तो जैसे हमने आईजीएसटी टैक्स को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इसने आईजीएसटी टैक्स की जो वैल्यू है ऑटोमेटिक उठा ली 5260.80 रुपये की। अगर हम इनवॉइस की बात करें तो अब इनवॉइस में भी आप देख सकते हो कि 5260.80 रुपये का यहाँ पर आईजीएसटी की कैलकुलेशन है। और टोटल इनवॉइस की बात करें तो 35,195.80 रुपये का इनवॉइस है टोटल। और टेली सॉफ्टवेयर में टोटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका 35,195.80 रुपये की वैल्यू आ रही है, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है हमारे पास जो इनवॉइस है उसकी और जो हमने टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री पास करी है उसकी। इंटरप्रेस करते हुए हम इस वाउचर को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो अब एक बार हम परचेज को देखें, टोटल हमारे पास परचेज कितनी हो चुकी है। तो इसके लिए आप फाइनल अकाउंट्स पे चले जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाइए। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये टोटल परचेज है, आपने जीएसटी 12% के गुड्स आपने अभी तक कितने परचेज किए हैं और जीएसटी 18% की आपने टोटल परचेज है जो इस अमाउंट की है। तो अगर आप इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के अलग अलग लेजर क्रिएट करना चाहते हो तो आप अलग अलग लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। जिससे कि हमने 12% हमारे पास है इंटर स्टेट की ट्रांजेक्शन थी भी और इंटर स्टेट की भी ट्रांजेक्शन है। तो आप चाहो तो दोनों इनवॉइस को अलग अलग भी आप दिखा सकते हो, जैसा कि इसमें हम करते हैं। ये 12% की है तो हम एक लेजर यहाँ से अलग से और से क्रिएट कर सकते हैं कि जीएसटी 12% परचेज आईजीएसटी, आप आईजीएसटी लिख सकते हो या फिर इंटर स्टेट की आगे हिंट ले सकते हो ताकि आपको पता चल जाए। तो ये हमारा परचेज अकाउंट में एप्लीकेबल और गुड्स रहेगा। तो यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज रहेगा, बाकी डाटा आपका बिल्कुल सेम है। कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट कर दो। अब इससे क्या होगा, आप जब भी परचेज देखोगे तो आपको अलग अलग से पता चल जाएगा कि जीएसटी गुड्स 12% की परचेज ये है, आउट ऑफ स्टेट की परचेज आपकी 12% की है और ये लोकल आपकी है। इसी तरीके से आप लोकल 18% आईजीएसटी या फिर इंटर स्टेट आगे कुछ ना कुछ इसके हिंट दे सकते हो ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए भी लोकल की परचेज आपकी कितनी है और आउट ऑफ स्टेट से आपकी टोटल परचेज कितनी होती है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे उस वीडियो आपके कमेंट का रिप्लाई देने की।